our next topic is comparing numbers. Comparing numbers means when we compare two numbers then we use symbols. ठीक है, जब हम दो numbers को compare करते हैं, compare करना क्या होता है, means we have to find that which number is smallest, which number is biggest, or are these numbers equal. ठीक है, हम क्या find करते हैं, अगर हम दो number हमें given है तो हमें बताना होता है, compare करना means तो हमें उनको compare करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, या क्या दोनों नंबर्स बराबर हैं, सेम है या इक्वल है. ठीक है, सो फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं वी यूज सिंबल्स. तो हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, लाइक दिस दिस एंड दिस. दिस इज अवर लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन, एंड दिस इज सेम और इक्वल. इसको क्या कहते हैं हम, लेस देन का दिस इज ग्रेटर देन एंड दिस इज इक्वल और सेम. वी बिगिन, जब हम दो नंबर्स को शुरू करते हैं कंपेयर करना, वी बिगिन कंपेयरिंग नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट. जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो जो लेफ्ट साइड होती है, मान लो कि 2, 4, 6, 3 एंड 3, 4, 6, 3, 3, 4, 3. जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं, अब हमें ये बताना है कि ये बड़ा है या ये, इनमें से कौन सा सिंबल आएगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं दो नंबर्स को कंपेयर करना शुरू कर रही हूं, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट. तो जो सबसे लेफ्ट साइड की डिजिट होगी, लेफ्ट साइड पर डिजिट कौन सी है, ये, इसका लेफ्ट कौन सा है, दिस. ठीक है, तो जो सबसे लेफ्ट में डिजिट होगी, ठीक है, इसके लेफ्ट डिजिट ये है, तो हमें इसकी लेफ्ट डिजिट से डिसाइड करना होगा. ठीक है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3, बट और द डिजिट विद लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू, और द डिजिट विद लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू, और जो डिजिट होगी जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू के ऊपर होगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, एंड ये कौन सी प्लेस पे है, वंस टेंस हंड्रेड. ठीक है, जो सबसे बड़ी प्लेस पे होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डिजिट जो है, ये जो नंबर है, ये तो हमारा कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है, और ये वाली कौन सी प्लेस तक जा रहा है, थाउजेंड प्लेस तक. ठीक है, तो यहाँ पे थाउजेंड प्लेस तो है ही, तो यहाँ पे थाउजेंड प्लेस पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो है. ठीक है, थाउजेंड प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो. सो वी कैन कंपेयर टू एंड जीरो. ठीक है, वी कैन कंपेयर टू एंड जीरो इजीली, हम बता सकते हैं कि टू बड़ा है या फिर जीरो. सबसे पहले हमें कंपेयर करना होता है लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो सबसे लेफ्ट की डिजिट होती है, या तो उससे, या फिर जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग. कि अगर इसमें थाउजेंड प्लेस पे जो हाईएस्ट जो है, लार्जेस्ट जो इसकी प्लेस वैल्यू है, वो कौन सी नंबर पे है, उस वहां पे डिजिट कौन सा है. इसका जो सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है वो कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू कौन सा है, थाउजेंड. इसका सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू कहां तक था, हंड्रेड था, लेकिन इसमें क्या है, थाउजेंड. तो ऑब्वियसली जो ये नंबर है वो बड़ा हो गया. या फिर अगर किसी को कंफ्यूजन हो, तो अगर यहाँ पे 100 तक दे रखा है, तो उसके आगे की प्लेस वैल्यू हम मैच करने के लिए आगे हम जीरो पुट करते चले जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे थाउजेंड के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स थाउजेंड तो है ही नहीं इसके अंदर, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जीरो है. यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, थाउजेंड तक ये पहुंचा ही नहीं है, ये तो पहले ही छोटा रह गया है ना, ये 100 तक ही है, एंड ये कहाँ तक पहुंच गया, थाउजेंड तक. सो इट मीन्स दैट टू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब टू क्या है मेरा, बड़ा है, एंड जीरो क्या है मेरा, छोटा है. तो ग्रेटर देन का क्या साइन आ जाएगा, ये वाला किसका था, ग्रेटर देन. जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ इसका माउथ ओपन होगा, जो स्मॉल नंबर होगा उसकी तरफ ये माउथ क्लोज होगा. ठीक है, ये बीक की तरह है ना, चोंच की तरह है ना,
तो ये जो बीक है या ये जो माउथ है इसका ओपन होगा, ओपन किस साइड होगा, जिस साइड लार्जेस्ट नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर होगा, और ये क्लोज किस साइड होगा, जिस साइड स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे कि टू क्या था मेरा, ये टू लार्जेस्ट था एंड यहाँ पे जीरो क्या था, स्मॉलेस्ट। इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये क्या है, लार्जेस्ट और बिगेस्ट नंबर है, देन दिस नंबर। सो ये जो माउथ ओपन होगा किस साइड होगा, ये जो माउथ होगा ओपन किस साइड होगा, ये लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर की तरफ होगा, ठीक है। और ये क्लोज किस साइड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर विद लार्जर डिजिट एट 1000 प्लेस इज ऑलवेज ग्रेटर। क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो नंबर जो लार्जेस्ट, जिसकी जो लार्जर डिजिट होगी 1000 प्लेस के ऊपर, जिसका जो 1000 प्लेस है उस पे जो है लार्जर डिजिट होगी, इज ऑलवेज ग्रेटर, वो हमेशा बड़ा होगा। हम टू नंबर्स हमें गिवन होंगे, ठीक है, हमें बताना है, उनको हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर और आर दीज इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जिसका लार्जर डिजिट होगा 1000 प्लेस पे, सो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू चेक करनी होगी, 1, 10, 100 एंड 1000। जो इसका 1000 प्लेस पे जो होगा नंबर या डिजिट जो होगी, इसके 1000 प्लेस पे क्या है, 6, एंड इसकी 1000 प्लेस पे क्या है, 3। तो जो 1000 प्लेस के ऊपर जो बड़ा नंबर होगा वही नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट बड़ी होगी, जैसे 1000 प्लेस पे यहाँ क्या है, 3 है, एंड यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है, कौन सी डिजिट है, 6 है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ या 6? 6 बड़ा हुआ ना, सो दिस नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, दिस नंबर इज ग्रेटर। अगर 1000 प्लेस के ऊपर जो डिजिट बड़ी होगी, दोनों नंबर्स में से 1000 प्लेस के ऊपर जिसकी डिजिट बड़ी होगी वही नंबर हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। 1000 प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 3, और यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है, 6। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 6। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। और आपको पता है कि ग्रेटर की साइड, ग्रेटर नंबर की साइड माउथ ओपन होता है एंड स्मॉलर नंबर की तरफ माउथ जो है, स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ माउथ क्लोज होता है। ओके, नेक्स्ट इज इफ द डिजिट एट 1000 प्लेस आर सेम। अगर जो डिजिट्स हैं हमारी 1000 प्लेस के ऊपर सेम हो जाती हैं, देन कंपेयर द डिजिट्स एट 100 प्लेस। तो हम नेक्स्ट जो प्लेस है उसकी, उस पर मूव कर जाएंगे और हम वहां से कंपेयर करेंगे। 1000 के बाद फिर कौन सी आती है, 1000 के बाद में 100 प्लेस आती है। सो हम मूव करेंगे 1000, अगर दोनों की 1000 प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो सेम हो जाती है, देन वी मूव टू नेक्स्ट प्लेस। और नेक्स्ट प्लेस कौन सी है 1000 के साथ में, फिर 100 प्लेस है। तो 100 प्लेस की फिर कंपेयर करेंगे हम डिजिट्स को, अगर 100 प्लेस की भी सेम हो जाती है देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्लेस, दैट इज 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस की भी सेम हो जाती है दोनों, तो फिर हम कहां मूव कर जाएंगे, लास्ट पे, 1st प्लेस के ऊपर। ओके, अगर हमारी 1000 प्लेस के ऊपर दोनों जो डिजिट्स है वो सेम हो जाती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे। नेक्स्ट प्लेस कौन सी है हमारी, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस के ऊपर क्या है हमारी, यहाँ पे देखा हमने एग्जांपल में कि 3632 3432, यहाँ पे जो 1000 प्लेस है इसकी 1000 प्लेस कौन सी है, इसके 1000 प्लेस 3, यहाँ पे कौन सी डिजिट है 1000 प्लेस पे, 3। इसका मतलब 3 एंड 3, तो 3 3 तो सेम हो गए, है ना। तो 1000 प्लेस में जो डिजिट है वो क्या हो गई हमारी, सेम हो गई, ठीक है। तो अब हम मूव किस पे करेंगे, 3 और 3, ये तो डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, दैट इज 100। तो 100 प्लेस में कौन है अब, 6, और यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन है, 4। यहाँ पे क्या है 100 प्लेस पे, 6, एंड यहाँ पे कौन है, 4। तो अब 6 या 4 में से डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर स्मॉलर है या छोटा है। तो 6 एंड 4 में से बड़ा कौन सा है, 6। इट मींस ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, मेरा बड़ा नंबर हो जाएगा या ग्रेटर नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वी टेक 3, 5, 8, 1, 3, 5, 6, 1, ठीक है।
अब हम चेक करेंगे यहाँ पे इसकी थाउजेंड प्लेस कौन सी है। यहाँ पे थाउजेंड प्लेस पे कौन सा डिजिट है? थ्री। यहाँ पे भी थाउजेंड प्लेस पे कौन सा डिजिट है? थ्री। अगर हम थ्री और थ्री को कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या नंबर है, बोथ डिजिट्स आर सेम। सो वी कांट डिसाइड विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, है ना। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। तो हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, दैट इज हंड्रेड प्लेस। हंड्रेड प्लेस पे आए, हमने चेक किया हंड्रेड प्लेस पे कौन है, फाइव है। और यहाँ पे भी हंड्रेड प्लेस पे कौन है, फाइव है। सो फ्रॉम हेयर वी ऑल्सो कांट डिसाइड दैट विच नंबर इज स्मॉलेस्ट एंड विच नंबर इज लार्जेस्ट। तो यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी फाइव है हंड्रेड प्लेस पे, यहाँ पे भी फाइव है, सेम डिजिट आ गई हमारी फिर से। तो फिर अब हम क्या करेंगे, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। और नेक्स्ट प्लेस कौन सी है, टेंस। टेंस के नीचे कौन सा डिजिट है, एट। एंड यहाँ पे टेंस के नीचे कौन सी डिजिट है, सिक्स। एट एंड सिक्स। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। तो एट बड़ा है या सिक्स बड़ा है, एट इज लार्जेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर, ठीक है। एट क्या है मेरा, बिगर देन सिक्स, सिक्स से बड़ा नंबर है। सो हमारा ये जो नंबर है, अगर एट बड़ा है तो फिर इस साइड हम माउथ इसका ओपन कर देंगे, तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा एंड दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट, ठीक है।